आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, कराची में शहरियों को कौमी शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए मुश्किलात दरपेश हैं। नादरा मेगा सेंटर्स की महदूद तादाद के बायस शहरी घंटों कतारों में लगने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं पानी का इंतजाम है और ना बैतुल खला का। सफदर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। कोई फज्र पढ़कर आया तो किसी ने नाश्ता ही कतार में किया। ये मनाजिर है नॉर्थ नाजमाबाद में कायम नादरा मेगा सेंटर के बाहर के। कई कई घंटे कतारों में लगने के बाद भी काम नहीं होता, बार बार चक्कर लगाना पड़ते हैं। ये शिकवा है शहरियों का। फजर की नमाज पढ़ते ही आ गए, अब तहज्जुद की नमाज पढ़ के आना पड़ेगा, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। 100-150 की लाइन को क्रॉस करके जाऊंगा तो फिर ये पता चलेगा कि इसके अंदर फिर कोई कमी है, तो फिर दूसरे दिन बुला लेंगे। भाई इसी चक्कर में पूरी लाइफ गुजर रही है हमारी। तो नाश्ता किए बगैर आ गए थे जी। चाय इसलिए कि अब खड़े हो गए, काफ़ी देर हो गई थी तो चाय पी के गुजारा कर रहे हैं। 3-4 बार आ चुके हैं आज सुबह से, यहाँ खड़े हुए, रश बहुत ज़्यादा है। आई डी कार्ड बनवाने के लिए अब इंतज़ार कर रहे हैं। लाइन में खड़ी हूँ, बहुत परेशानी आ रही है। 4थी दफ़ा आया हूँ, कलेक्शन होता है, वहाँ पे जाओ तो वो फेल होता है। पीछे लाइन बढ़ रही है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ी। क्या मर्द क्या औरत, सभी कतारों में खाक छाने पर मजबूर हैं। सिर्फ खवातीन के लिए इंतजारगाह तो है, लेकिन पानी है ना बैतुल खला। ये मेरा बेटा है, इसको वॉशरूम जाना था, दाएं बाएं सब जगह घूम के आ गया, कोई वॉशरूम नहीं है। हॉस्टल वालों ने अलाउ नहीं किया कि हम आम पब्लिक के लिए नहीं है वो, तो एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे 4-4 घंटे खड़े होते हैं, ना वॉशरूम है ना पानी है। वॉशरूम नहीं है, अंदर जाएंगे जब वहाँ है वॉशरूम। तो कराची जैसे गुंजान आबाद शहर में नादरा मेगा सेंटर्स की तादाद सिर्फ 3 है, जहाँ 24 घंटे शहरियों को खिदमत फराहम की जाती है। शहरियों का कहना है कि शहर में मेगा सेंटर्स की तादाद ना काफ़ी है, अगर इनकी तादाद में इजाफा कर दिया जाए तो ना सिर्फ शहरियों को सहूलत हासिल होगी बल्कि इनकी मुश्किलात में भी कमी होगी। कैमरामैन हमीदुल्ला के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची।